क्या अभ्यास नहीं करने से हम भूलने लगे हैं? क्या निरंतर अभ्यास अनिवार्य है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज के लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगे हैं। पहले भी लोग भूलते थे, लेकिन इतना नहीं भूलते जितना आज के समय लोग भूलने लगे हैं। आज बहुत जल्दी लोग भूल रहे हैं, इसका कारण क्या है? आइए हम देखते हैं। स्मृति या याददाश्त क्या है? वह याददाश्त, वह स्मृति जिसमें हमारी यादें संग्रहित रहती हैं। यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख कार्य है जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित रहती हैं। क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है, ये बहुत बातों पर निर्भर करता है। स्मृति हमारे मस्तिष्क की एक बौद्धिक क्षमता है। हमारे पुराने अनुभव, सूचनाएं, सीखी हुई चीजें हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रहती हैं, जो भिन्न भिन्न समय, परिस्थिति, स्थान, परिवेश, स्थिति से जुड़कर स्मृति के रूप में मस्तिष्क में सुरक्षित रहती हैं। मानव मस्तिष्क एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान का गहन अध्ययन आता है। याददाश्त कम होना, मेमोरी लॉस, या जिसे हम सामान्य भाषा में याददाश्त खोना कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे भूलने की बीमारी कहा जाता है। यहाँ इस बात का किसी बीमारी से कोई संबंध नहीं है। चोट लगना, मस्तिष्क में कोई दोष आना या अन्य बीमारी जो होती है जिसके कारण लोग भूल जाते हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सामान्य भूलने की बात कर रहे हैं। अक्सर होता है हमारे साथ में, काम कार्य क्षेत्र में या स्कूल में, कॉलेज में, जब अबे ये तो भुलक्कड़ है, ये तो भूल जाता है, ये तो भूल जाती है जल्दी, इसको याद नहीं रहता, वो बात नहीं कर रहे हैं। हमें बात कर रहे हैं कि जहां सामान्यतः हम भूलने लगे हैं, आज के समय में ये बहुत सामान्य है कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। जैसे वयस्क लोग सुबह नाश्ते के बाद अक्सर भूल जाते हैं कि बीपी की गोली खाई या नहीं, गोली उनके नाश्ते के टेबल पर रखी हुई है, लेकिन वो भूल जाते हैं। घर से बाहर जाने पर याद करते हैं कि दरवाजे में ताला लगा है या नहीं, अगर अकेले हैं घर पर। अकेले रहने की स्थिति में जब हम बाहर जाते हैं तो चिंता में रहते हैं कि हमने सुबह नहाने का गीजर बंद किया था कि नहीं किया था, नल बंद किया कि नहीं, नाश्ता बनाने के बाद हमने गैस बंद की कि नहीं, दरवाजे खिड़की बंद किए कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं। ऐसी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जो निकलने के बाद हमें याद आती हैं, जबकि हम रोज की प्रैक्टिस के अनुसार उसको करके आते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक संशय बना रहता है कि किया कि नहीं किया, और उसी टेंशन में हम रहते हैं। यह स्थिति एक सामान्य है और लगभग हर किसी के साथ होती है। बहुत कम लोग ही अपने कार्य में पारंगत होते हैं। गृहणियों में आधे ज़्यादा अपने कार्य में पारंगत होती हैं। कामकाजी व्यक्ति आधे ज़्यादा अपने कार्यालयीन कार्य में निपुण होते हैं। इसमें से आधे लोग अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, अक्सर भूलते रहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका कोई पैमाना नहीं है और किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। किसी अकेले कार्य की तुलना हो सकती है, किंतु दो कार्य की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती। एक कार्य में तो व्यक्ति पारंगत हो सकता है, लेकिन दो कार्य में तीन कार्य करने के समय अक्सर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चूक होने की संभावनाएं होती है। जैसे गृहिणी हैं, उनसे चूक की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वह अपने कार्य क्षेत्र जो घर है उससे संबंधित सारे कार्य करती हैं, उसमें कभी कभार हल्का सा एक दो प्रतिशत संशय हो सकता है, कभी कभार कुछ हो जाए, वरना वो सब पारंगत होती है। आदमी लोग इसके कार्य में पारंगत होते हैं, बाहर के कार्य में पारंगत होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको अन्य कार्य बोला जाए तो कई बार थोड़ी बहुत भूलने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें निपुण जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के साथ में हमारे हाथ पैर भी उस चीज के लिए रट जाते हैं। क्या क्या भूल जाते हैं? निरंतर अभ्यास करने के कारण हम पारंगत हो जाते हैं, उसका बहुत समय उपयोग नहीं करने से एक लंबे अंतराल के बाद हम उसको भूल जाते हैं। यह बात अलग है कि फिर थोड़े से मामूली से अभ्यास के बाद हम फिर से उस पारंगतता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाते हैं, स्कूल में साइकिल चलाते हैं, कॉलेज में साइकिल चलाते हैं, लेकिन नौकरी के बाद में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सालों साल हम साइकिल नहीं चलाते हैं। जब साइकिल आती है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको अपना बैलेंस की आदत नहीं है, तो थोड़ी बहुत चलाएंगे फिर याद आ जाएगी हमको। या महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो स्कूल में कॉलेज में साइकिल चलाती हैं, लेकिन फिर सालों साइकिल गाड़ी नहीं चलाती हैं। जब वह बड़ी हो जाती हैं और उनको बच्चों को लाने के लिए कभी एक्टिवा या छोटी गाड़ी में उनको लाना पड़ता है, तो वो नहीं चला पाती, लेकिन
फिर उनको याद आता है कि हमने साइकिल तो चलाई है बचपन में, स्कूल में चलाई है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से फिर से उस चीज को याद कर लेते हैं, वह चीज याद आती है। बचपन स्कूल में सीखी साइकिल बड़े होने पर हम भूल जाते हैं, शुरुआत में संतुलन में दिक्कत आती है, अभ्यास से फिर सीख जाते हैं। कुछ खास पकवान को वर्षों बाद बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं बनते, थोड़ा अंतर आ ही जाता है, फिर अभ्यास के बाद ही स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे होटल में वही मिठाई, वही जलेबी, वही समोसे, वही दूसरी चीजें, वह लोग हर बार सेम टेस्ट रहता है हर होटल का। कारण यह है कि वह रोज बना रहे हैं तो उनको रटा पड़ा है, आंख बंद करके भी बनाएंगे तो उनका वही अंतर आए, वही उन वो आए स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल मात्रा उनकी रटी पड़ी है। लेकिन हम लोग कभी कभी बनाते हैं तो अंतर आ जाता है। मशीनें जिन्हें बहुत समय बाद चलाया जाता है भूल जाते हैं, चाहे वो सिलाई मशीन हो, कपड़े वाली, या कार्यालय की दूसरी मशीनें हो, कुछ ऑप्शंस उसके याद नहीं रहते हैं लेकिन फिर बाद में याद आ जाते हैं। कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो ऑप्शन भूल जाते हैं, फिर हेल्प मेन्यू पढ़कर वीडियो देखकर वापस याद आ जाते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पावर पॉइंट वगैरह। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जिनमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कभी कभी जरूरत पड़ते हैं, एडिटिंग वगैरह में होते हैं, सामान्य है, लेकिन कुछ एडवांस्ड ऑप्शन होते हैं जिनको याद नहीं करने, निरंतर अभ्यास नहीं करने से भूल जाते हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो याद आ जाते हैं। विज्ञान से स्नातकोत्तर के छात्र भी कई वर्षों बाद सामान्य से फार्मूले भूल जाते हैं, क्योंकि कई सालों तक उनका इस्तेमाल नहीं होता है, एक दो बार पढ़ने के बाद फिर याद आने लगते हैं। अभी नोटबंदी में देखा गया कि बहुत पढ़े लिखे लोग, खासकर एम कॉम तरीके व्यक्तियों ने, जब बैंक में लाइन में लग के 2-2 हजार के बंडल लिए, फिर वो दुकानों पर जाके उनको सामान्य सी गिनती 460, 520, 770, 830, 635, 436, इस तरह के अमाउंट जब उनको बाजार में देने लगा तो वो एकदम से कुछ सेकंड के लिए जज नहीं कर पाए कि उनके पास 20-20 के नोट की गड्डी है, उस नोट की गड्डी में से तुरंत कितने रुपए निकाल के देने हैं। उन्होंने फिर इस तरह से अंदाज लगाते हैं, एक इसमें 5 नोट तो 400 है, तो 4 5 20। वहीं दुकानदार जो 8वीं पास है वो बोलता था, भाई साहब 12 नोट दे दो, 25 नोट दे दो। क्यों? क्योंकि वह प्रैक्टिस करते रहता है रोज, रोज कैसे काम कर रहा है, और सामने वाला बहुत सालों से इसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, हम आगे कारण में देखेंगे। हम भूलने क्यों लगे हैं? डिजिटल लेन देन, बहुत से लोग सारा समय डिजिटल रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे में नोट गिनने की आदत ही खत्म हो गई है। डिजिटल लेन देन में ऑटो रिमाइंडर आ जाता है, अतः व्यक्ति को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रिमाइंडर आने पर बस ओके करना है, पे पर क्लिक करना है, पिन कोड डालना है और पेमेंट हो जाएगा। पहले याद रखना पड़ता था कि इस तारीख को ये बिल देना है, इस तारीख को जमा करना है, लाइन में लगना है, सब कुछ करना है। आजकल वो सिस्टम ही खत्म हो गया, और आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से, 10 साल से डिजिटली पेमेंट हो रहे हैं, इस कारण लोग भूलने लगे हैं। बड़े बड़े नोट का इस्तेमाल, अधिकतर लोग हजार, आजकल हजार तो बंद हो गया, 500-2 हजार के नोट ही गिनते हैं, बाकी छुट्टे दुकानदार को वापस कर देते हैं, और समय अभाव के कारण वे कभी दुकान पर हिसाब भी चेक नहीं करते। छोटे छोटे हिसाब जैसे दूध, सब्जी, छोटा मोटा सामान घर में अक्सर बच्चे और गृहिणी ही करते हैं, ऐसे में सामान्य कैलकुलेशन भी लोग भूल जाते हैं। वहीं दूसरे पेट्रोल पंप स्टोर पर कार्य करने वाले जो लड़के होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, वो कई बार 8वीं फेल भी होते हैं, लेकिन वह लोग रोज के लाखों का हिसाब किताब बिना किसी भूल चुक के करते हैं, क्योंकि यह उनका रोज का कार्य याद करते हैं। यह देखा गया कि बहुत उच्च स्तरीय पढ़े लिखे लोग भी छोटे छोटे नोट भूलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका इस्तेमाल ही नहीं करते, छोटे मोटी गिनती का इस्तेमाल ही नहीं करते, सारे समय कंप्यूटर, मोबाइल में और ऑटो रिमाइंडर के द्वारा यूज करते हैं। बड़े नोट का इस्तेमाल करने से व्यक्ति छोटे हिसाब किताब याद नहीं करता, और दुकान में खासकर वह हिसाब इसलिए नहीं करता कि गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। लिखने की आदत नहीं होना, आज करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उच्च पदों पर शिक्षित हैं, उच्च स्तर पर नौकरी करते हैं, किंतु वे अपने हस्ताक्षर के अलावा लिखने का कोई कार्य नहीं करते हैं। कई बार अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने के लिए मार्क कर देते हैं, पटप जानकारी दें, प्रस्तुत करें, बस इतना लिख
देते हैं, इसके कारण वह लिखने की आदत से दूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं भी हूँ, जिसने आज से करीब 20-22 साल पहले एमकॉम किया है, उसके बाद से मैं अब कभी लिखता ही नहीं हूँ, तो उंगली काम नहीं करती, क्योंकि सारे समय सारा काम हम मोबाइल से ही करते हैं, कंप्यूटर से ही करते हैं, कीबोर्ड से ही करते हैं। तो साइन के अलावा दूसरा काम करने के लिए अगर दो लाइन लिखनी पड़ती तो दिक्कत आ जाती है। कंप्यूटर मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, बहुत से लोग कंप्यूटर मोबाइल पर कार्य करते हैं या इस पेशे में, ऐसे में अत्यधिक कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल से लोग भूलने लगे हैं। वाकई यह बहुत चिंताजनक विषय है, लोगों को भूलने की आदत हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, गलत हुआ तो कंट्रोल जेड दबाना है, सब में लगभग एक ऑप्शन आता है, लेकिन वास्तव में लाइफ में कंट्रोल जेड होता नहीं है। कार्य पर जोर, वर्कलोड, लोगों पर आज कार्य का बहुत जोर है, चाहे नौकरी हो, दुकान हो या अन्य क्षेत्र, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह कार्य बहुत बढ़ गया है, पहले की तरह नहीं है, जाओ साइन करो, थोड़ा बहुत काम करो, आ जाओ। लोगों के पास कार्य बढ़ गया है, एक व्यक्ति आज कई कई कार्य देख रहा है, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे निजी हो, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए लोग आ नहीं रहे हैं, उसकी जगह वह कार्य दूसरे व्यक्तियों को दिया जाता है। एक व्यक्ति जो पहले एक ही कार्य देखता था, आज वह चार चार कार्य कर रहा है, चार तरह के क्षेत्र उसके पास में है और उसको सब करने पड़ते हैं। ऐसा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, दुनिया के हर देश में ऐसा हो रहा है। आजकल व्यक्ति को मल्टीटास्किंग करने के लिए बोला जाता है, इवन सरकार ने नियम निकाला है कि हर व्यक्ति को, जो टाइपिस्ट है वह का क्षेत्र में रहता है, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है, तो उसको अंग्रेजी टाइपिंग के साथ में हिंदी टाइपिंग करनी ही है, नहीं करेगा तो उसको 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है, अन्यथा उनकी नौकरी सिवाय समाप्त करी जा सकती है। अगर आप हिंदी बाहुल क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये सरकार का नियम है। तनाव में रहना, आज सभी लोग अक्सर तनाव में रहते हैं, देर रात तक तनाव में रहते हैं, देर सोते हैं, देर तक कार्य करते रहते हैं, पैसे की तंगी है, कार्य क्षेत्र में कार्य का तनाव, हर जगह तनाव ही तनाव का माहौल बना हुआ है, इसके कारण भी लोग भूलने लगे हैं। और यह तनाव बड़े बुजुर्ग नहीं, मध्यम एज नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी यह तनाव है। हमने देखा है कि कई स्कूल के बच्चे मार्क्स कम आने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, स्कूल के बच्चे, वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है। खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अक्सर गलत खान पान से लोगों को हाजमी की शिकायत होती है, और जो अच्छी सेहत के मालिक नहीं होते हैं वे अक्सर गैस, बदहजमी, आलस से जूझते रहते हैं और अक्सर भूल जाने की शिकार होते हैं। इसको हम चार्ट के द्वारा देखते हैं, डिजिटल लेन देन, दूसरा बड़े नोटों का इस्तेमाल, लिखने की आदत नहीं होना, कंप्यूटर मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, कार्य का जोर, तनाव में रहना, खान पान, इन कारणों से हम भूलने लगे हैं। भूलने की आदत से कैसे बचें? यह भूलने की आदत कोई बीमारी नहीं है, है ही नहीं, यह हमारी चिंता, हमारी फिक्र, हमारे वर्कलोड, यह चीजें हैं। हम इस भागम भाग की जिंदगी में सुकून के कुछ पल अपने लिए निकालकर आत्मचिंतन करें, थोड़ा तनाव मुक्त रहें, मन को शांत छोड़ दें, सब सामान्य हो जाएगा। हम सोते समय की चिंता, बेचैनी, आशंकाओं से घिरे रहते हैं। रोज सुबह खुद के लिए समय निकालें, कसरत करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, ध्यान लगाएं, प्रसन्नचित रहें, संतुलित खाना खाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, रात को योग निद्रा लेने का प्रयास करें। वाकई मैंने खुद ने जब से योग निद्रा कभी कभी लेता हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। आप भी लें और खुश रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। धन्यवाद।